गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? मेरी आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। ये देखिए मेरा दोस्त अंदर, देखिए हाय कर रहा है, खाना बनाने जा रहा है। देखिए सब व्यवस्था हो गई है, दाल धो चुके हैं, दाल धो डाल दिए, अब नमक। और कितना समय लग जाएगा बनाने में? मुश्किल से 20 मिनट। 20 मिनट में खाना तैयार करता है भाई। और क्या है, ये क्या है? ये नमक है, नमक डालने जा रहा है दाल में। और क्या क्या पड़ता है दाल? हमें यार बनानी नहीं आती। नमक डाल दिया, उसके बाद क्या डालोगे इसमें? उसके बाद हल्दी डालेंगे। इसके बाद देखिए हल्दी डालने जा रहा है भाई, बहुत ही फास्ट बनाता है खाना। हल्दी डाल दी 2 चम्मच, थोड़ा सा तेल डालेंगे, थोड़ा सा तेल, सरसों का। फिर क्या पड़ेगा? फ्राई करने के लिए जो काटेंगे। अब गैस पर रख दिया जाएगा कुकर को। कुकर गैस ऑन कर दीजिए, इसके बाद लाइटर है, हाँ जलाइए, लाइटर जला के रख देंगे। अब पकने के लिए स्टार्ट कर दिया गया है। इसके पहले हम प्याज व्याज और मिर्चा काट लेंगे और सब व्यवस्था की जाएंगी। अब प्याज व्याज फ्राई करने के लिए, दाल को फ्राई करने के लिए मिर्चा प्याज ये सब काटने जा रहा है भाई। क्या इजी तरीके से खाना बना रहा है भाई। ये देखिए पढ़ने वाला सारा सामान रखा हुआ है, ये देखिए भाई बड़ा बैग, लगेज वगैरह सब है। ये देखिए दोस्तों प्याज छीलने जा रहा है। ये देखिए दोस्तों पढ़ने की सारी व्यवस्था यहाँ पर है, स्टैंड है, मोबाइल रखने वाला स्टैंड, ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए और सब सारी सुविधा, लाइटिंग वाली। दोस्तों टूटा पड़ा है लाइट वाला, फिलहाल यहाँ 24 घंटे बिजली रहती है इसीलिए दिक्कत नहीं होती है। सही है। अच्छा बल्ब नहीं लगा, खाली ओके है सब। ये देखिए दोस्तों टेबल लैम्प है, ये देखिए दोस्तों क्यूब रखा हुआ है, इसे ज़्यादातर लोग सॉल्व करना मुश्किल पड़ जाता है। जो भी दोस्त अगर सॉल्व कर देता है वो कमेंट में क्यूब सॉल्व करके बताए, जो सॉल्व कर देता है हाँ लिखे कमेंट में। देखिए दोस्तों इतने सारे पेन रखे हुए हैं। उधर प्याज की छिलाई चालू है, खाना बन रहा है, खाना बनने के बाद स्टडी पर बैठ जाएगा, फिर ये शाम को ही उठेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।